विक्रमाजीत के पास दिन में तो रहे पर शाम होते ही बाजले मुसद्दी। अब एक बात बताओ, कोई भी मर्द हो उसकी लुगाई दिन में रहे और रात को भाग जाए तो उसे नींद आ जाएगी? वीर विक्रमाजीत बेचैन रहे, अगर भाई यो ब्याह बड़ा ना तो बोले ना कोई काम करे, 16 शर्त लगा रखी हैं और रात को और नहीं टिके। साथियों जो गण थे, चार जो गण थे, उनसे कहा अगर भाई एक काम करो, इसका पता लगा के आओ। प्रेमी सज्जनों, एक दिन जिस रास्ते से रात को यह जाया करे थी, गण इसके पीछे पीछे गए और इन्होंने देखा कि यो तो इंदर महाराज के दरबार में जाती है और जाके सारी रात भर नाच गाना करती है। आकर के बताया, महाराज ये तो इंदर महाराज के दरबार में जाती है। के कारण? अक महाराज सारी रात नाचे है। अच्छा महाराज, अब वीर विक्रमाजीत बोले रे गणो, आज तुमसे एक विनती करता हूं के आकाश तुम मुझे भी ले चलो। प्रेमी सजनों, राजा वीर विक्रमाजीत गणों के सहारे इंदर के दरबार में चला गया रात्रि के समय में। उस दिन एक घटना घटी, हुआ के अगर जो तबला बजाने वाला था वो नहीं पहुंचा तो नाच गाना कैसे हो। दरबारियों ने कहा महाराज तबला बजाने वाला नहीं है आज। इंदर ने कहा कोई और होगा। हाँ भाई कोई तबले वाला है? तो इस वीर विक्रमाजीत के पास जो गण थे उन्होंने कहा कि अब तेरे पास मौका है और तेरा तबला बजता रहेगा महाराज, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम मदद करेंगे। ये विक्रमाजीत उन अपना थोड़ा सा रूप बदल के उन गणों के सहारे कहता है महाराज मैं तबला बजाऊंगा। अक्तू लेकिन ये नाचती तातिक दिन्ना बड़े गजब का नाचती है। बोले ये जिस प्रकार का नृत्य करेगी, मेरा तबला अगर कहीं गलत रह जाए तो आप जो सजा दे मैं भुगत लूंगा। प्रेमी सजनों, चूंकि काम का व्यक्ति था, सारी रात तबला बजाता है और इसके आने से पहले ही रतन कौर के पास आ जाता है और रतन कौर को कैसे समझाता है, कैसे क्या ड्रामा बनाता है। खांडे राव के आने से पहले आकर के सो गया और रतन कौर को कैसे समझाया, अगली रागिणी में सुनिए। रतन कौर कहिए महाराज, आज तने एक मदद करनी है मेरी। मदद करनी है? हाँ। कैसी मदद? मदद ऐसी है यार, इसने कर दिया मैं परेशान। किसने? तेरी छोटी बहन कहूं, बड़ी बहन कहूं, तेरी दोरानी जिठानी के कहूं, यानी कि जो खांडे राव है। हाँ। तने तो बेरोस है। हाँ। कितनी इच्छा के साथ इसके साथ शादी करी थी। बिल्कुल महाराज। तू तो नाटी थी कि दक्षिण दिशा को मत जाइयो, पर मैं चला गया, कोई बात नहीं। आप सुनते कहा हूं महाराज मेरी, वो एक गलती होगी, कोई बात नहीं। हाँ। पर अब ब्याह हो गया तो हो गया, हो गया तो हो। पर इसने नाक में दम कर रखा है। क्या कर दिया इसने ऐसा? आज मन ने इसकी सारी करतूत देख ली है। देख ली? और आज इसे बुलवा के छोड़ूंगा। अच्छा। बस तने मदद इतनी करनी है। क्या? कि मैं सोने का बहाना बना रहा हूँ। ठीक है। मेरे रेकोर मुसद्दी को वैसे कभी नींद नहीं आती, पर हाँ थोड़ा सा झूठ मूठ को बहाना बना के सो रहा हूँ। अच्छा। जैसे ही आवे ना, जैसे ही महल में कदम रखे, हाँ। तुरंत ही तू मुझे जगाइयो। मैं जगूंगा नहीं। हाँ। मैं नहीं कहूंगा ना मन महाराज जग जाओ, दिल निकड़ आया, ये करो वो करो। ठीक है, मैं थोड़ा गुस्से में आके दो चार थप्पड़ मार दू तो तू बुरा ना मानियो। है? हाँ। चार छह तेरे सेक दू मैं, मार दू मुसद्दी मार दे तो तू बुरा ना मानियो। महाराज यो नहीं मारता, औरतों पे हाथ नहीं छोड़ता मैं। अच्छा। तो वैसे ड्रामा करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। और क्या करूं? और फिर मैं तेरे तक कहूंगा कि मैंने सपना आ रहा है। अच्छा। फिर तू मेरे पाछे लग जाइयो महाराज, वो सपना बताओ के सपना आ रहा है। ठीक है महाराज। ठीक है, ठीक है। लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। ठीक है, जल्दी सो जाओ। जैसे ही आवे ना यो, हाँ तुरंत बस जो तुझे बताया वही काम करना। ठीक है महाराज। मुसद्दी ने उठा ले, भले मुसद्दी ने उठा ले, मैं सो रहा हूँ। मुसद्दी उठा पड़ा है महाराज, आप उठिए, उठिए महाराज। नींद आ रही है बड़े गजब की, रहने दे। अरे उठ जाइए। अरे सपना आ रहा है तो सो। अरे महाराज खड़े होइए।
सारे सपने की इसी तीसी कर दी तन्ने। महाराज सपना देख रहे थे आप, खर्राटे मार रहे थे। खर्राटों में तो सपना आता है। हेलो, अच्छा सपना देख रहे थे, कैसा सपना देख रहे महाराज? जो आज बड़े गजब, बड़े गजब का सपना आ रहा था मुझे। तो इतने गुस्सा क्यों हो गए? कौन सा सपना था? तने सपने की इसी तीसी कर दी। अरे क्या सपना था मुझे भी बताइए महाराज, मैं भी खुश हो लूं। ना बूझे, बताइए मुझे, पूछना है। आज बड़े गजब का सपना आ रहा था। कैसा सपना बता दूं? कैसा सपना आ रहा था? हाँ हाँ जी साहब बता दूंगा। के बता दो तो सुन ले रतन कौर, आज किसा किसा सपना आ रहा था। सुनाइए महाराज। आगे आगे नहीं आगे 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 बोलिया रे के सपने का ओ रज कर करो। अच्छा ओ करिए महाराज। न्यू बोलिया रे के सपने का वो रज कर करूं। अच्छा ए सपने में हो गया चाला। क्या चाला हो गया महाराज? बताऊं? बताइए। उस खांडे राव परी की गैला रात बना तबले आला। खांडे राव परी की गैला रात बना तबले आला। के सपने का जिक्र करूं सपने में हो गया चारा। उस खांडे राव परी की गैला रात बना तबले आला। महाराज ऐसे क्यों शर्मा रहे हो जैसे नई बॉडिया शर्मावे? क्या हो गया? यो नई की भी नई है। अच्छा उससे शर्मा रहे? देख कैसी घूर घूर के देख रही है। हाँ, देख एक ही लाइन में बोनट पे आ गई है। देख तो रही है महाराज। हाँ आगे बताइए आप। तबला वबला भी बजा लो। तबला? मैं तो ढपली भी बजाया करूं। अच्छा हाँ इनका काम छीन हो गया महाराज। जगदीश उस्ताद तो अभी ट्री सीख रहा हूँ। हाँ कहिए महाराज। वत बांध घुंघरो बांध घुंघरू नाचन लागी। बांध घुंघरू नाचन लागी। छम छम छन छन करती जा मन तबले के बोल बजाए। दितकिटा दितकिटा धा 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 सारे गाम पा धा निसा। नींदा पा मा सारे गा सारी दुनिया करे थी बड़ाई। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह सारी दुनिया करे थी बड़ाई। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह एक इनाम में मिली असर भी। ओ एक इनाम में मिली असर भी और एक मिली मोहन माला। रात बना तबले आला। खंडेला परी की गैला रात बना तबले आला। यकीन नहीं हो रहा होगा कि मेरे पे तबला नहीं आता। हाँ बड़े गजब का तबला बजाया था। अच्छा दितकटा 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 धा 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 धा।
ऐसे ही बजाया अच्छा था। बजाया तबला। हाँ। तो वहां से आपको इनाम भी मिला था? एक इनाम में मिली असरफी और एक मिली मोहनमाला। अच्छा। असरफी तो दे दी मैंने मुसद्दी को। महाराज ये कैसे क्या हो गया? दुखती रग पे हाथ। छेड़ मत, इनाम में मिली है। पीछो मुसद्दी वैसे घनी परेशान है। भगवान भगवान ने चाहे तो काम बनने वाला है। दिन दाड़े छेड़ रही है। अब सुन, तबला ही नहीं जानता मैं तो और भी कुछ जानू हूँ। क्या जानते हो महाराज? सुनाइए। यरी ईसा कुसा रे, ईसा कुसा मन मत ना जाने, चौदह विद्या जानू सो, जादू टोना जंतर मंतर सारे रंग बिछाणू सो, छह राग और तीस रागणी भैरू राग बखाणू सो, मलखाड़े में कुश्ती जीतू रण में शस्त्रे ताणू सो, मलखाड़े में कुश्ती जीतू रण में शस्त्रे ताणू सो, मैं तो दोनों हाथ दिखा दू रण में, दोनों हाथ दिखा दू रण में, जिसकी गैल बंद है पारा खंडेरा परी पी गैला रात बना तबले आला, खंडेरा परी पी गैला रात बना तबले तंग किया। अच्छा, कदे तो ठाम के बजवावे, कदे दुगन में बजवावे, अरे कदे सरगम बदले, कदे राग बदले, भाई बहुत परेशान किया मैंने आपको। उल्टे सीधे घुंघरू मारे तो मैंने उल्टे सीधे तबला में बोल निकालने पड़ते थे। अच्छा। हाँ अच्छा महाराज, इसलिए ही आप दुबले पतले से हो गए। पर मैं अपनी परीक्षा में पास रहा और मुझे क्या? मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि रात को मैंने तबला बजाया था। अच्छा? और तबला बजाते हुए मुझे कितनी इनाम मिली थी वो भी बता दूं। क्या इनाम मिला बताइए। जले पे नमक डाल रहा हूँ। हाँ, बताइए मुझे। हाँ। बताइए, मैं सुनना चाहूँ। ये रे सिर के ऊपर ओढ़ मुसीबत, सिर के ऊपर ओढ़ मुसीबत, जानी नहीं मने या गूठी श्री ब्रह्मा जी की ब्रह्मानी ने दई मने, या माला श्री इंद्र की से, या माला श्री इंद्र की से, इंद्राणी ने दई मने, या गीता या गीता श्री कृष्ण जी की, या गीता श्री कृष्ण जी की, उस रुक्मणी ने दई मने, या गीता श्री कृष्ण जी की रुक्मणी ने दई मने, और पार्वती ने दई भभूति रे, पार्वती ने दई भभूति, और शिव जी ने दी मृग छाला, खंडेरा परी की गैला रात बना तबले आला, खंडेरा परी की गैला रात बना तबले आला। महाराज की है, ब्रह्माणी ने मुझे इनाम में दी, देख ले ओम लिखा हुआ है। हाँ लिख तो रहा है महाराज, ये क्यों छीन रही बार बार, और ये
या इंदर की इंद्राणी ने मुझे ये माला दी थी, ठीक है पहनिए। और देख ये भगवत गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने दी, इसमें सारे श्लोक हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान में दिए थे। देख रही हूँ महाराज। पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के वेद मंत्र भी लिखे हुए हैं, पढ़ के सुना दूं? सुनाइए महाराज। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुवे यद भद्रम तन्यासुवे ओम त्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंदनान मृत्योर मोक्षीय मामृता। महाराज हाँ महाराज समझ। सरजीत जी एक आवाज आई थी, गूंगी बोलगी। ओ महाराज महाराज ओ, महाराज गूंगी बोलगी। नहीं अभी एक बार सुनो महाराज। तू बोल रही है क्या? नहीं तो और महाराज। ओ महाराज मैं बोल रही बोलगी है, मैं बोल रही हूँ। तू बोल रही है? हाँ। पहले बोल रही है? हाँ। पहले बोल रही है? हाँ, पहले ही बोल रही है। मुसद्दी गूंगी बोलगी, गूंगी बोलगी, गूंगी बोलगी। हाँ गूंगी बोलगी, पहले भी बोले करती गूंगी। रे गूंगी बोल जा, बोलगी गूंगी बोल जा, बोलगी वो गूंगी बोल जा। जाली मैं तेरी जानू पाजे राजी बोल जा, गूंगी बोल जा। रे मेरी गुड़ की डाली हो, मेरी गुड़ की डाली मैं तेरी चढ़ी मैं तेरी लाडू पाजेब राजी बोल जा। हे महाराज मैं गलती अपनी मानती हूँ और मैं आपसे पहले बोल गई, ये भी मेरी गलती है। मुसद्दी हमने तो ये बुलवानी थी, हमने क्या करना था, अपना काम काटना है। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप हैं कौन? आप अपना परिचय दीजिए मुझे, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हैं कौन मुझे अपने बारे में बताइए। जब तेरे नगर में गया था, तेरे महल के नीचे था, तब तो तने बड़े बड़े ताने मारे थे। आगा देख बटे पाछे मूरख ठोकर लागे पांगर केर खांडे राव परी ने। वो मेरी मूरखता थी, लेकिन अब मैं आपका परिचय जानना। फिर भी पेटा नहीं भरिया, फिर कोई 16 शर्त पुगानी होंगी, हंसी खेल नहीं से। फिर कहा पीठ फेर के बाज गए अड़े मानस आए जो बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में से रखो। ये सब करतूत तेरी थी? हाँ मेरी थी। इब तक तने न्यू बेरा पट गया होगा, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ लग तो नहीं रहे। ये भी तुझे सत्य पता चल गया होगा कि रात को तबला मन नहीं बजाया था तेरे साथ। हाँ हरकतों से तो लग रहा है कि आप ही ने बजाया था। अरे जब वेद के मंत्र पढ़ के सुना दिए, या ब्रह्मा जी की अंगूठी दिखा दी, हाँ जी। या माला दिखा दी इंद्राणी की, और वो गीता भी दिखा दी, गीता भी दिखा दी, भी कोई बात हाँ यकीन हो गया है कि आप रात को इंद्र के दरबार में तबला बजा रहे थे। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आप इंद्र के दरबार में पहुंचे कैसे, आप हैं कौन? मैं कौन हूँ? हाँ हाँ जी अपना जवाब दूँ, मैं कौन हूँ बताइए। तो प्रेमी सजनों, यहाँ उस खांडे राव को लगता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जरूर कोई विशेष व्यक्ति है, कोई धर्मात्मा है। तो फिर अंतिम कड़ी में पंडित मांगेराम लिखते हैं, अपना परिचय देता है वीर विक्रमाजीत, हमारे बड़े भाई बहुत ही सम्मानित श्री विक्रम ओड़ा ठेकेदार जी, 3100 रुपए पहले, और हम तीनों बिजली विभाग के ठेकेदार हैं, यूपी तक ठेके चलते हैं। 3100 पहले और 500 अब 3600 रुपए हम तीनों कलाकारों को इस रागनी पे फिर से 500 रुपए दिए। ओड़ा साहब का, ठेकेदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, विक्रम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं ते इंद्र राजा का मैं इंद्र राजा का पोता सू, मेरा इंद्र राजा का पोता सू, गंधर्व सेन पिता मेरा, बड़ा भाई मेरा भरतरी, दुनिया ने पट लिया मेरा, मैं नावंती बहन मेरी थर, आज तलक था अंधेरा, मैं वीर विक्रमा जीत भूप उज्जैन शहर में घर मेरा, वीर विक्रमा जीत भूप उज्जैन शहर में घर मेरा। और मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद्रा दुनिया का तेजा भारा,
बनया तबले आला।